मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया प्रश्न लेकर के आए हैं कि एक वृत्त के अंदर त्रिभुज का निर्माण कीजिए। मतलब आज एक वृत्त बनाएंगे और उसके अंदर एक त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ये हम आपको इस तरीके को बताएंगे। ये बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाला तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वृत्त हम ले लेंगे। यहाँ पर वृत्त का डायमेंशन जो है कि 60 mm दिया हुआ है। तो अब हम 60 mm का एक वृत्त बनाएंगे। 60 mm का वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले कंपास पे 30 mm के रेडियस को फीड करेंगे, जिससे कि हमारा 60 mm का व्यास का जो है डायमीटर का जो है वृत्त बनकर के तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले भर लेते हैं कंपास में 30 mm का रेडियस। ये देखिए कंपास है, इसमें हमने 30 mm का रेडियस ले लिया है। अब इसको हमने यहाँ पे एक पॉइंट निशान भी लगा दिया है, इसी पॉइंट पे हम इस कंपास की नोक को रख करके बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए एक वृत्त बनाते हैं। देखिए कितनी आसानी से बन जाता है ये वृत्त। ये देखिए हमने वृत्त बना लिया है। अब इसका डायमीटर 60 mm हो गया। अब इसके अंदर हमें एक त्रिभुज बनाना है। जैसा कि हमें पता है एक वृत्त के पूरे वृत्त का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। चूँकि हमें त्रिभुज बनाना है, ट्रायंगल बनाना है जिसकी तीन भुजाएं हैं, तो हम 360 डिग्री को तीन से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए देखिए जिसमें जितनी भुजाएं हैं हमने ले लिए तीन भुजाओं का ट्रायंगल और 360 डिग्री का बनाना है, तो इसको हम जो है कि तीन से डिवाइड कर देंगे तो 120 डिग्री का एंगल आएगा। अब 120 डिग्री का हम इसमें आसानी से निशान बना लेंगे और ये शॉर्टकट तरीके से एक ही बार में ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए त्रिभुज के अंदर, अब ये वृत्त के अंदर हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने चार निशान लगा लिए हैं वृत्त में। अब इसमें जो है यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, यहीं से हम बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि हमें त्रिभुज बिल्कुल सीधा बनाना है तो हम इस पॉइंट से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ से अब कंपास में फीड कर लेंगे 120 डिग्री। जी हाँ, प्रोटेक्टर को हम रखेंगे। एक और आसान तरीका है हम लोगों के पास, जहाँ से ये हमारा बिल्कुल पॉइंट करता है तो हमें त्रिभुज ऐसे बिल्कुल बनाना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज का जो एक एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री है। अगर हम इसमें 30 डिग्री और ऐड कर दें तो ये 120 डिग्री यहाँ से शुरू होता है। तो अब यहाँ से हम आ जाएंगे 30 डिग्री नीचे और जस्ट इसी के सामने यहाँ से भी 30 डिग्री नीचे आ जाएंगे। तो हमें एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट को इससे मिला देंगे तो आसानी से एक वृत्त के अंदर त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक वृत्त ले लिया जिसका डायमीटर 60 mm है और यहाँ इसके सेंटर को ओ मानते हुए यहाँ पे एक निशान लगाया जस्ट इसी के सामने, बिल्कुल यहाँ से लेकर के सीधा। तो इसको 0 डिग्री मानते हुए यहाँ से 90 डिग्री पे एक निशान लगा लिया। अब 90 डिग्री निशान लगाने के पश्चात यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा और इसके नीचे हमने 30 डिग्री नीचे आने के पश्चात अब ये हमारा दूरी 120 डिग्री का हो गया है। तो या तो आप यहाँ कंपास की नोक रखें, यहाँ पेंसिल की नोक रखें, एक हो जाएगा, और फिर यहाँ कंपास की नोक रखेंगे फिर यहाँ पेंसिल की नोक निशान लगाएं तो ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा। तो ये तीन भुजाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। और यदि मेजर करके बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है यहाँ से जिस प्रकार से 30 डिग्री नीचे आए हैं उसी प्रकार यहाँ से भी 30 डिग्री नीचे आ जाएंगे। तो चूंकि इधर से 30 कम हो गया, ठीक है, तो ये आपको जो है इधर से मिल जाएगा सीधे सीधे। तो अब यहाँ से इस पॉइंट को इससे मिला दिए। अब देखिए ये ए पॉइंट को बी से मिला दिया, बी पॉइंट को सी से मिला दिया, सी को ए से मिला दिया, ये त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें मेरे स्टूडेंट्स, ताकि आपको आगे चल के और भी अच्छे वीडियोज मिल सकें। और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिए। यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि लगभग 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स आपको आसानी से देता है। बस इसको बनाने का आसान तरीका आपको पता होना चाहिए।